किसानों से गेहूं तुलाई और एंट्री चढ़ाने के नाम पर 15 रुपए प्रति क्विंटल की लूट की जा रही है। सिवनी के एक किसान ने ऑपरेटर के पैसे मांगने और लेने का वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। किसान की इस वीडियो ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के किसान हितैषी होने के दावों की पोल खोल कर रख दी है। केवलारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सेवा सहकारी समिति मर्यादित ढुटेरा के गेहूँ उपार्जन केंद्र थाना गाढ़ा में इन दिनों किसानों के साथ खुली लूट मची हुई है। गेहूं तुलाई और एंट्री चढ़ाने के नाम पर 15 रुपए प्रति क्विंटल तक वसूली करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ऑपरेटर द्वारा किसान से 1000 रुपए की खुली मांग करते हुए देखा जा सकता है, जिस पर किसान के द्वारा 500 रुपए भी दिए गए। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व विधायक राकेश पाल द्वारा खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया गया था और इसके बाद विधायक ने खुद को किसान हितैषी बताया था, लेकिन इस वीडियो के आने के बाद विधायक के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। विधायक के दावों में कितनी सच्चाई है ये तो इस वीडियो को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। बहरहाल बताया ये भी जा रहा है कि रितेश ठाकुर निलंबित होने के बाद भी वसूली का कार्य कर रहा था और प्रशासन मूर्ख दर्शक बना रहा। जब मैंने बेचा उसके बाद में रिसीव ली गया तो मुझसे पैसे मांगे जा रहे थे। पैसे ना होने की वजह से फिर मुझे एक कट्टी गेहूँ देने के लिए बोला गया, फिर भी मैंने उनको 500 दे दिया। इसके बाद में मैं 100-200 और दे रहा था, मुझसे 1000-1200 रुपये मांग रहे थे। फिर मैंने कहा कि ठीक है नहीं देते रिसीव तो मैं चला। फिर उन्होंने क्या बोली? फिर उन्होंने कुछ नहीं, मेरे पैसे वापस कर दिए, मैं आने लगा, फिर बाद में रिसीव भी दे दी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।